हमारे मन को आज अशांति है, आज मेरा बड़ा सा कोई काम अटक गया है, मेरा बेटा आज परीक्षा देने के लिए गया है, आज मेरे बेटे को इस परीक्षा में पास होना चाहिए, आज मेरा पति गया है उसकी नौकरी लगना चाहिए। मानव के जीवन में दुख क्या होता है? माहिल्या का चरित्र कभी स्मरण कर देखिए, जब जब जीवन में दुख आया, 8 वर्ष की आयु में शादी हो गई, 21 वर्ष की आयु में विधवा हो गई, और थोड़ा ही समय निकला था, बेटे को राज सत्ता पर बिठाया, मालूम पड़े बेटा भी शांत हो गया, अकेली रही। एक बार माता अहिल्या से पूछा गया, पिता ने पूछा पत्र लिखकर, बेटी अहिल्या तुझे अगर चिंता हो इस मालवा के क्षेत्र में जाने पर, तुझे अगर टेंशन हो इस मालवा की भूमि पर, तेरा पुत्र चले गया, तेरा पति चले गया, तेरा ससुर चले गया, तू अकेली बची है अहिल्या, अगर तुझे चिंता हो तो तेरा पिता बैठा है। तब माता अहिल्या ने पत्र लिखकर भेजा, मेरे पिता का भी पिता मेरा महादेव मेरे साथ बैठा है, तुम क्यों चिंता करते हो, मेरा देव महादेव मेरे साथ है। जब माता अहिल्या को इतना भाव था कि मेरा महादेव मेरे साथ है, तो इंदौर वालों चिंता करने की जरूरत नहीं, तुम्हें रत्ती भर की भी क्या, किसको रोइए, चादर तान के सोइए, आग लगे बस्ती में और तुम रहो मस्ती में, अपने को टेंशन वेंशन नहीं करना। 7 दिन की कथा है, घर वालों को कह देना, देख रहे भैया मैं तो चली वृंदावन राणा, मेरे तो भाग जगे, राणा जी तेरे मेलों में आग लगे, हमें कोई फालतू टेंशन देना मती, 7 दिन की कथा है। कोई कह रहा था गुरुजी अब इस बीच में शादी ब्याह भी बहुत सारे हैं, तो हमने काम मना नहीं है, शादी ब्याह बहुत सारे हैं, हमें भी ये देखना है कि तुम्हारी रिश्तेदारी उनसे है कि इनसे है, हमें तो ये देखना, पर हम तो पहले भी कहें आपसे हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, एक हमारे भोले बाबा, एक हमारे भोले बाबा और दूजी गौरा रानी सरकार, हमारे दो ही रिश्तेदार। हाँ तुम्हारे ज्यादा हो तो बात दूसरी है, पर हमारे तो जो दुख में साथ दे वही रिश्तेदार, बोलो सही है कि गलत है? मालूम पड़े दुख पड़ा भारी और रिश्तेदार पहले चले गए, मालूम पड़े भाग के गए, अब कौन साथ दे रहा है? और आखिरी में जब कोई काम नहीं आया तब मेरा उज्जैनी नरेश महाकाल का नाम लिया गया और उसने सब रोग मिटा दिए। सेवा करने पर आपसे भी निवेदन है, जिस दिन तुम्हारा मन दुखी हो, जिस दिन तुमको लगे कि हमारे मन को आज अशांति है, आज मेरा बड़ा सा कोई काम अटक गया है, मेरा बेटा आज परीक्षा देने के लिए गया है, आज मेरे बेटे को इस परीक्षा में पास होना चाहिए, आज मेरा पति गया है उसकी नौकरी लगना चाहिए, मैं बड़ी दुखी हूं, सब दूर माथा टेक लिया, सारे संसार में होकर आ गए, सबसे जाकर निवेदन कर लिया, जब हार गए तब किसी शंकर के मंदिर में एकांत में बैठ जाना, एक लोटा पानी चढ़ाकर, 5 बेलपत्र चढ़ाकर, 1 चावल का दाना शिव को समर्पित कर एकांत में बैठकर शंकर को निहारते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना, अपने दिल की बात उससे कह देना, जब वो एकांत में बैठा हो, कोई नहीं हो मंदिर में, तब तुम बैठना, उससे कहना आज मेरा पति नौकरी के लिए गया है, मैं जानती हूँ कि मैं हो सकता है पाप कर्म कराऊं, पूर्व में क्या क्या करा अपने को क्या मालूम, हो सकता है मेरा पति भी पूर्व में कोई कर्म विकार करा होगा, सारे जगत में धक्के खा लिया, सारे दुनिया भर में घूम कर आ गए, पर मेरे बाबा अब कहीं पर नहीं जाऊंगी, आखिरी है तू और तेरा द्वार, अब नहीं छोड़ूंगी, और उस बाबा से निवेदन कर जाना, 8 दिन 15 दिन इंतजार तो करो, उस बाबा से बोलने के बाद एक टेबलेट भी खाते हो तो थोड़ी देर बाद असर करती है, तो थोड़ा इंतजार तो करो उसको बोलने के बाद, भटकना मत ही, उसके दरवाजे पर जाने के बाद भी अगर काम नहीं हो तो समझ लेना कि हमारा कर्म कुछ ज्यादा गड़बड़ होगा, होगा लगा है, अभी समय लगेगा, भटकना मत ही, नहीं तो इनके छोड़ के दुनिया के लोग तो बड़े भटकते हैं, पहले राम जी के पास चले जाए, राम जी से काम नहीं बने, हनुमान जी के पास चले जाए, हनुमान जी से काम नहीं बने, ठाकुर जी के पास चले जाए, ठाकुर जी से काम नहीं बने, शंकर जी के पास चले जाए, शंकर जी से काम नहीं बने, तो कहीं दूसरी जगह जगह चले जाए, मैं नाम नहीं लूंगा, तुम समझ जाओ, कोई दूसरे धर्म में प्रवेश कर जाते हैं, कोई हिंदू धर्म को छोड़कर दूसरा धर्म अपना लेता है, क्यों देवता नहीं सुन रहे,
तो दूसरा धर्म अपना लिया। फिर निवेदन करूंगा, मेरे हिंदू धर्म से बड़ा कोई धर्म हो ही नहीं सकता, ये पक्का है। इस हिंदू धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता। आपको गौरवान्विता महसूस होना चाहिए, मेरा राम मेरा कृष्ण। अन्य जगह पर केवल लोग कहते हैं उनके धर्म में एक देवता होता है, हम कहते हैं बफेट का जमाना है इसलिए हमारे 33 कोटि देवता है। तुम्हारी मर्जी पड़े जिसको उठा लो, तुम्हारी मर्जी पड़े जिसको उठाओ। बफेट में जाते हो, कहीं गुलाब जामुन, कहीं छम्मक लड्डू, कहीं पानी पतासा, कहीं दही बड़ा खाते हो, पर जिस भोजन में तुम्हारी रुचि ज्यादा होती है उसकी प्लेट ज्यादा निपटा जाते हो। बोलो सही है की बात है? तुम भी सारे देवताओं के दरवाजे पर जाओ और जिससे तुम्हारी अच्छी पट जाए उसको पटाना। 33 कोटि देवता में एक है, चाहे राम कृष्ण शिव भवानी जगदम्बा दुर्गा, जो तुम्हारे चित्तवृत्ति में आए उसको रिझाओ, उससे लगन लगाओ, उससे दृष्टि मिलाओ और उससे जाकर अपने दिल की बात कहो। जब शंकर से दिल की बात कहोगे पक्का है वो सुनेगा। हम कई बार कहते हैं अगर हो सके, कभी कभी होता है कि बहुत तकलीफ है और नहीं हो रहा काम, बहुत दिनों से लगे हो नहीं हो रहा, हरा मूंग ले जाओ। मूंग के दाने तो रहते हैं घर में, केवल 31 मूंग के दाने लेकर जाइए, 31 चावल के दाने लेकर जाइए और 31 ही बेलपत्र लेकर जाइए। जिस दिन सोमवार की अष्टमी हो, कौन से दिन? सोमवार की अष्टमी हो, उस दिन शंकर जी के मंदिर में जाओ, 3 चीज लेकर जाओ, मूंग के दाने, चावल, बेलपत्र। चावल जो 31 लेकर गए हो अपनी कामना कर शंकर जी की देहली पर रख दो, चौखट पर, कहीं पर भी एकांत में उसको रख दिया जाए। मूंग के जो दाने लेकर गए हो 31, वो नंदी के पास में, जो नंदी का पांव ऊंचा रहता है उस पांव के पास रख दीजिए। और जो 31 बेलपत्र लेकर गए हो वो 31 बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जो जगह है, आपको पहले बताया है कथा में अशोक सुंदरी जी का स्थान, ये शिवलिंग, ये जलाधारी जहां से पानी बहता है, उसके बीच में एक मोटी सी लाइन होती है जो शंकर भगवान की छोटी लड़की अशोक सुंदरी का स्थान है। शिव जी के 13 बच्चे हैं, 13 बच्चे में सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी यहीं पर विराजमान होती है जहां से पानी नीचे गिरता है। प्रत्येक शिवलिंग के सामने एक मोटी सी लाइन होगी, उस मोटी सी जो लाइन है अशोक सुंदरी, वहां पर जो 31 बेलपत्र लेकर गए हो अपनी कामना कर पीला चंदन लाल चंदन लगाकर उस पर समर्पित करते जा, उसकी डंडी जहां से पानी बहता है उस ओर होना चाहिए। आप निवेदन कर देखो, एक सोमवार की अष्टमी पर कर देखना, दूसरी सोमवार की अष्टमी आएगी अपने आप आपका काम हो गया होगा। बाबा से निवेदन तो करो, क्यों भटक रहे? भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख ओ भोला। झाड़ू लगा रही है अहिल्या बाई, साधारण स्वभाव, केवल एक झाड़ू। कई लोग कहते हैं महाराज जी आप कहते हो मंदिर में जाकर झाड़ू लगाओ पोछा लगाओ, तो जो हमने मंदिर में रख रखा है स्वीपर आदि कादिक, जो भी सेवा करने वाला है, काम करने वाला है, वर्कर है, वो कर रहा है, तो हम क्यों करें? अरे भाई